गुड मॉर्निंग, लेट चलो को ना। तो अभी मैं जा रही दवाखाना कोडिक्स हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने एम आई रूम को एडमिट कराई, उसके पेट में गांठ है 1.5 किलो की। 1.5 किलो किसको बोलते हैं, जैसा कि एक बच्चे हो जाए वैसी गांठ है। लेकिन ये कुछ लोग के डॉक्टर के लापरवाही की वजह से हुई है, जो सोनोग्राफी निकालते वो लोग के, और जो जिसको कौन सा डॉक्टर को उसने बताई थी, उस डॉक्टर की लापरवाही से गांठ इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी गांठ हो गई है 1.5 किलो की, और उसने 4-5 महीने पहले सोनोग्राफी निकाली थी। सोनोग्राफी वाली भी और जो डॉक्टर को उसने बताई रिपोर्ट, वो डॉक्टर ने बोले कि इन्फेक्शन हो गया है। हालांकि शायद वो इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि 1.5 किलो की गांठ बढ़ना मतलब बढ़ के इतनी बड़ी होना तो टाइम लगता है, एक झटके में 1.5 किलो की गांठ इतनी बड़ी नहीं हो जाती है। सब डॉक्टरों का कहना है कि इसको बहुत जूनी गांठ थी जो इतनी बड़ी हो गई है। तो प्लीज़ डॉक्टर लोग ऐसे ना करें, और जो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की रिपोर्ट निकालते तो ऐसी ना करें कि किसी की भी जान पे बनाए, जो क्लियर रिपोर्ट है वही बताए, या तो अच्छे से रिपोर्ट निकाले, या तो नहीं होता है ना तो तुम्हारा सब ये दवाखाने का बोरिया बिस्तरा लेके बंद कर दे, है ना। चाहो तो मैं अभी जिधर सोनोग्राफी निकाले थे उस पर डॉक्टर पे एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि जब पहले उसने सोनोग्राफी और निकाली थी 4-5 महीना पहले, ये गांठ उससे भी पहले है उसके पेट में, है ना। तो 1.5 किलो की गांठ होना बोले तो बहुत जूनी गांठ है ये। तो क्लियर रिपोर्ट अगर वो लोग बता देते तो आज उसकी जान को इतना खतरा नहीं रहता। अब वो गांठ हो गई है कैंसर में कन्वर्ट होने वाली है शायद, अब रिपोर्ट तो इतना, और ऑपरेशन अभी आज है तो उसके बाद पता चलेगा अभी क्या प्रोसीजर है। तो इतना बड़ा उसको प्रॉब्लम नहीं होता, तो बस दुआ करो कि यार उसका शौहर भी नहीं, अभी वो जवान है, उसका एक लड़का है, शौहर का भी इंतकाल हो गया, उसका 13-14 साल हो गया, वो अकेली भाई बहन लोग को सबको संभालती है, बच्चे संभालना तो उसकी बोलते ना जान पे बनाइए। तो अभी मेरे को डॉक्टर ने बुलाए डिसीजन लेने के, तुम पैसा तो लगाओगे लेकिन आगे जो ऑपरेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, 1 घंटे में उसका कैंसर का रिपोर्ट चाहिए जो गांठ निकालेंगे। तो अभी पूरे से घर वाले को सबको बुलाई हूँ मैंने कि भाई आओ, अगर मैं पैसा लगाती लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है सुनो, डिसीजन लो क्या होता है क्या नहीं, तो दूसरी जगह भी तुम लोग किधर ट्राई कर सकते हो। तो बस दुआ करना, और जो रिपोर्ट निकालते हैं और जो डॉक्टर लोग है ना जो क्लिनिक लेके बैठे, सबसे गुजारिश है यार किसी के साथ में ऐसा मत वो करो, जो क्लियर है बताओ, नहीं समझ में आता ना तो तुम्हारा दवाखाना ही बंद कर दो, है ना। आप चाहो तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या बोलूँ अभी मैं। खैर आप लोग दुआ करो कि उसका भी बेचारी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, कि लेडीज़ लोग को गांठ में बाद में क्या प्रॉब्लम होती है सब लेडीज़ लोग अच्छी तरह पता है, और इसकी तो 1.5 किलो की गांठ है, किसको बोलते 1.5 किलो की गांठ, है ना। खैर अल्लाह ही उसको साथ दे, और आप लोग सीधी दुआ से दरख्वास्त से दुआ करना, ठीक है। हर बार आप लोग हर किसी के लिए मैं वीडियो डालती दुआ करते हो, तो बोलते ना आपकी दुआ से उन लोग की तकदीर भी संवर जाती है, अल्लाह उन लोग को बचा भी लेता है। तो बस आप लोग की सबकी दुआ की दरख्वास्त से हमारे महरूम के लिए दुआ करना, है ना। तो अभी आई हूँ मैं सादिक को देखने, माशाल्लाह सादिक के नाम भूल जाती हूँ, सादिक को देखने आई हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितना अच्छा हो गया, इसकी पट्टी विट्टी भी सब निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और बहुत जल्दी अच्छा हो गया। आज का कितना दिन है, अगले संडे को लाए थे ना, आज का 10वां दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साकिब बहुत अच्छा हुआ। कैसा लग रहा है साकिब? डॉक्टर बोलेंगे तो ही रखना, नहीं तो जो दवा वगैरह चालू है खाना नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। और जैसे आज का देखो ये 10वें दिन का मैं अपडेट दी हूँ आपको कि हमारा साकिब बहुत अच्छा हो गया, और कुछ लोग वीडियो देख के आए थे तो इसमें क्या लिखे मेरे को, क्या लिखे लाए, क्योंकि मेरा वीडियो देख के इसको काफ़ी लोग मिलने भी दवाखाने में आए थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोग इसको मिलते गए, दुआ देके गए, है ना, बहुत से लोग ने पैसे की हेल्प करे, तो बहुत अच्छा लगा। इस दफा इसका जैसे कि इधर आँख पे है थोड़ा बहुत, है ना, और ये सब प्रॉब्लम इधर सूख गया, जहाँ यहाँ से जो ऑपरेशन करे थे पूरा काट के, तो पट्टी इसकी दाढ़ी देखो ये बढ़ रही है, जवान जवान लाली में आ गए, देखो लाली में आ गए ना, मुंडा पट्टी बता दी है। लेकिन यहाँ से अभी जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ से वगैरह बैठाए थे, बाकी अभी सेंटर लाइन है ना, मैं पूरा आपको बता रही हूँ,
और हमारे साकिब भी देखो आंख भी बच गए, फिर इसकी आंख की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर लोग ने बहुत मेहनत करे, अल्लाह की दुआ से आंख भी बच गए सबकी, है ना। देखो ना अलेन कहाँ से मिरर से कहाँ से इसको पप्पी ले गए, हंसते वाला लोगों भी मेरे को मालूम रहता तो यार मैं तो वॉटर कलर लेके आ जाते थे, मजबूत वाला जोड़ निकल भी जाता था, वो पानी में भी यूज हो जाता था। खाना खाया, अच्छा लग रहा है, नारा हो जाए हमारे मुसलमान सबने हेल्प करे, हाँ देखो सबने पैसे अल्लाह उनको और कामयाब करे, उनकी कमाई बरकत अदा फरमाए, जिसने मेरे लिए इतनी मदद की, अल्लाह उनको और कामयाब करे, हिंदू मुसलमान सबके लिए दुआ करे, सबने तेरी हेल्प करे। ऐसा नहीं भाई मुसलमान है तो हम हिंदू लोग हम भी देंगे, हिंदू लोग ने भी हेल्प करे, हमारी सहेली लोग भी हिंदू है वो लोग ने भी हेल्प करे, सबने तेरे लिए दुआ करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने तेरे लिए दुआ करे, हाँ घर का भी मसला है, अभी देखते किधर घर मिल जाए तो दर्शन करेंगे, है ना। हमारा है साकिब, है ना, जिसकी मैं वो दे रही हूँ अपडेट, इसके आँख का भी थोड़ा है, और ये देखो, और ये यहाँ से ऑपरेशन करके जैसे प्लेट वगैरह अंदर डालें तो इसकी दाढ़ी की वजह से पट्टी नहीं रुकती, और बस ये सेंटर लाइन निकल जाए और इसका हाथ पाँव जल्दी सही हो जाए, देखो है ना। और इसमें लिखे कुछ लोग आए थे मिलने तो गेट वेल सॉन्ग लिखे हैं, और बस एक साथ में नली वगैरह सब निकल जाए तो हम लोग टेंशन फ्री है ना साकिब, फिर घर पर जाएंगे, है ना, और दुआ करना जल्दी लोग घर मिल जाए, है ना। हाँ चलो, साकिब की अपडेट देना आप लोगों को जरूर समझती हूँ, क्योंकि आप लोग ने बिना जाने पहचाने हेल्प करे पैसे के लिए सब चीज़ के लिए, तो जजाक अल्लाह, है ना। अभी आए हम लोग हमारी फ्रेंड के घर पे, मैं अपने काले का तो वीडियो नहीं ली ब्लॉग में, इतना देर बैठे बैठे भूल गई, थक गए थे आज बहुत, आज इतना काम काम, क्योंकि हम लोग आज 5-6 दिन से दवा खाना। अभी तो बेचारे मेरे मैरून का भी ऑपरेशन है कल, इसकी भी रिपोर्ट आई नहीं ना, अभी सिटी स्कैन निकालने वापस भेजे थे ना, तो वापस मैं बोली उसको ले जा क्या, तो अभी आए हम लोग फ्रेंड के घर पे, पहली फ्रेंड तो है रुखसार, ऐसे हाथ कही है अस्तिन ऊपर कर, इसे लड़ने जा रहे, जंग लड़ने जा रहे। और ये हमारी बहनी जिसके घर पे हम लोग आए हैं, चिंगम, और ये हमारे भावजी को देखने आए हम लोग, हाँ हमारे भावजी की तबीयत खराब थी तो भावजी को देखने को हम लोग आए, और ये है लाले, क्या नहीं करने का है ना, हाँ लक्षत ठेवायचा, और हम लोग काजू बादाम पिस्ता है बहनी ने सब रखी खाने को, बाप रे बाप, दिमाग इसको कम ही खिलाया क्या बोले, दिमाग बहनी को कम ही खिलाया, सच्ची में हमारी बहनी थोड़ी घेत लिया, बहनी को अच्छी तरह है ना भाऊजी, बाली बोला इसका दिमाग आधा कम है, और हमारे भाऊजी की तबीयत खराब थी तो दवा खाना नहीं गए थे, इसलिए घर पे आए देखने, ए भाई नहीं तो बादाम खाते कुछ आधी जरूरत है, तो कभी इलेक्शन लड़ने गए थे,
हाँ ना लाले, इसको याद कह रहे थे, मैं तो फोन मारना लाले आएंगे तो को दिमाग देने क्या बोला ये मेरे को कौन दिमाग देगा, इसको तुम्हें दिमाग दो बोलना भी तो कर मानते ना अच्छा दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और जल्दी ठंडा नहीं होता है इसमें, देखो ना बीच में कैसा रिलाइन वो अपडेट हो रहा है कुछ। अस्सलाम वालेकुम, अभी आई हूँ दवा खाने से। माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, और हमारी महरून को अभी एडमिट करें क्योंकि उसके पेट में गांठ हो गई और 1.5 किलो की। एक टेंशन है तो एक मेरे पीछे लगाई है, क्योंकि अभी महरून मेरे इधर ही रहती है, मेरे घर में सब हैंडल महरून काम करती है, सब कर काम वाली तो बोलना भी गुनाह है, लेकिन बता रही नहीं तो आप लोग सोचेंगे कौन महरून है जो मेरे घर में, मेरी बच्ची जैसी है वो भी, जब से मैं मीरारोड आई हूँ मेरे घर में खाना बनाना सब करना वही कर दिए, तब उसकी तब मेरी बच्ची है वो, है ना, तो उसका ऑपरेशन करना अभी मेरा फ़र्ज है, तो देखते अभी उसका कल परसों ऑपरेशन, अभी एडमिट करके आई हूँ, और क्योंकि वो एक अभी है नहीं घर में काम करने, और आफरीदी की अम्मी भी गए गाँव, उनकी ननन का इंतकाल हुआ तो घर में काम कौन करेगा, अभी बहुत परेशानी चल रही है ना, कि घर में तो चाहिए बाबा ने तो काम कौन करेगा। मस्त बांद्रा से बेचारी मेरी चाची आई तो मेरे को चाय रोटी बना के दिए, दोपहर खाना भी बनाया मेरी चाची ने, और हमारे घर में अभी आई नई काम वाली बाई शक्कू भाई ओ शक्कू भाई, ये देखो शक्कू भाई अभी शक्ल नहीं दिखा रही है, शक्कू भाई पोता मारिए। एक दिन बेचारी बर्तन बिर्तन धोए तो मेरी बेटी का हाथ सूज गया, सुबह बेचारा मेरा बच्चा हाथ पता मेरा राजा ये देखो उसका हाथ कैसा सूज गया है, मेरा फोन आ रहा है रुको एक मिनट। हमारी ये काम अली भाई का पगार है क्या, क्या पगार में क्या लेंगे काम अली भाई, क्या लेंगे कौन सा वाला 15 प्रो मैक्स। हाँ ये काम अली भाई की पगार है, आईफोन 15 प्लस कौन सा प्रो मैक्स में प्लस मॉक्स में। और हमारे घर में नया ये सोफा आया, अभी देखो पहले डबल था मतलब एक ही था, अभी ये दो कुर्सी और ये सोफा। मैं तो दवा खाने में थी और ये सोफा आ भी गया और इधर सेट भी हो गया देखो, और ये हमारी रशियन बहू देखो हेमा मालनी, जो कि मेरी चाची से बेचारे से काम करा रही, मेरी चाची तो ए दादी इधर आराम कर रहे हैं, एक खाली आधे एक दिन के लिए आते, तुम लोग मेरी चाची से काम करा रहे अभी से ही। दादी बोलो ना क्या बोलो भाई, हाँ तो ऐसा होता है तो नहीं बोले। ये देखो मेरी बहू बेचारी कितनी अच्छी है जो मेरी चाची से काम करा रहे, बताओ गाइस कमेंट करना ये रशियन बहू किसको किसको किसका फोन आया, हाँ हमें चाची ने भी मेरे को गरम गरम चाय परोठा बनाया, अभी मस्त सबके लिए परोठा बना रहे एकदम चलो, फिर भी ठेसा बीसा मस्त मुंबई की चटनी जौले की चटनी सब ला के दी मेरी चाची ने, मेरी चाय ठंडी हो गई लगता है ना, थोड़ा और गरम कर दे। और ये मेरी छोटी बहन फिरदौस है ना देखो, और ये मेरा भाई हमारी रशियन बहू देखो लॉलीपॉप खा रही, बेटा जरा लॉलीपॉप बता जरा ब्लूबेरी ये देखो क्या है लॉलीपॉप खा रही है हमारी बहू, और बेटा हमारा देख रहा है कैसी खा रही है ये, मैं कैसा झेलता रहे तू इसको झेलती है कि ये तेको झेलता है अच्छा लॉलीपॉप खा के हमारी बहू बेचारी कितनी अच्छी है लॉलीपॉप और देखो हमारी चाची तो बैठे ले ऐसे सास मिलेगी किधर जाए बहू को, और पहले काजल लेके लगा करके मिलेगी रे तो किधर ऐसी सास देखो पढ़ाल बोलती चाची रुक जाओ ना सुबह जाना, मैं नहीं बाबा आऊंगी, मेरी सोफी ने बुलाई मैं बोली बाद में, अभी आ रही ना रमजान से एक बार पहला रोजे चालू, हाँ जुम्मा के दिन आ जाना रमजान में है ना, अरे फिर दोस्त जुम्मा की रात को आ जाना, अरे जुम्मा की रात को पढ़ा के आ जाना ना, अरे हमारा अब्बास करे एक लड़की देखो जल्दी इसके पास अच्छी लड़की रहेगी तो बताना, जैसे हमारे कालू को मिली अच्छी लड़की और हमारी इमरान, हाँ
अरे हमारी बहन है फिर दोस्त, इसको भी देखो अच्छा लड़का रहेगा तो। फैजान की तो समझे वाली ना, फैजान तू तो छोटा है अभी, बाद में इसके लिए तू तो समझे वाली है। नहीं लेकिन हमको हमारी बहन के लिए एक लड़का चाहिए अच्छा खासा, रियल मी है, मैं सच बोल रही हूँ। आज हमारे घर में सब हंसी मजाक कर रहे हैं माशाल्लाह। देखो बहुत तो देखो क्या बिहार से लाली हो, मजे तो खाते बैठी हो। बता कलर लगा उसमें तो क्या हो गया? ब्लॉग में अपने घर की हिस्ट्री बताना चाहिए क्या? ब्लॉग में चिकन चिल्ली खाते हैं, सब बता दे फिर, ब्लॉग इसके लिए बनाते ना, घर की भी हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताना चाहिए, मेरी तो दुनियादारी की रहती है ना गाइस। जा रही मैं हॉस्पिटल, आज मेरी मायरिन का ऑपरेशन है, तो दुआ की दरकार से दुआ करना कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसके पेट में 1.5 किलो की गांठ है और डॉक्टर लोग को सबको शक है कि वो कैंसर की गांठ हो सकती है। बस अभी बड़ा ऑपरेशन 4-5 घंटे का, दुआ करना कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए ना। आई अभी मैं कोडिक्स हॉस्पिटल और हमारे मायरिन का अंदर चालू है ऑपरेशन, 1 बजे ऑपरेशन में लिए है भाई, 1 बजे लिए थे ना मायरिन को ऑपरेशन में। और ये है रघुवीर भाई और हम लोग अभी बैठे हैं अंदर, उसका चालू है ऑपरेशन और 1 बजे लिए थे उसको ऑपरेशन के लिए, अभी बज रहे 5:30। क्या नाम है पूरा? क्यों रे सर लाइट आ रही ना इसके? बज रहे 5:30, काफी बड़ा ऑपरेशन है और मायरिन बोले तो वो मेरी काम वाली नहीं है, है ना, काम करती है मेरे घर में, यानी काम वाली नहीं है वो, मेरी बच्चे लोग के जैसी मेरी अच्छी होगी, है ना, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए खड़ी हूँ। देखते अभी क्या आता है, रिपोर्ट तो आ गई है, वो टेंशन वाली बात हो गई है और मुझे सच में ज़्यादा टेंशन आ रहा है। बाकी जो है अभी उसको कैसा ठीक करने का क्या करने का ना, वो हमारे रघु भाई अभी हाथ में है ना, क्योंकि रिपोर्ट आने से पहले जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट आई थी तो थोड़ा बहुत रघु भाई को शक हो गया था कि भाभी ये चीज़ उसको हो सकती है, और उसके लिए उसका फटाफट रिपोर्ट निकाल के उसका फटाफट ऑपरेशन कराए और सब अल्लाह केयर करे। पता है कि जब गार्ड होती लेडीज लोग को इधर चेस्ट में या पेट में तो उसका क्या रीजन आता है, तो वही हुआ आखिर, और गार्ड तो माशा इतनी बड़ी निकली पूछो मत, है ना। अब देखते कब ठीक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है हमारी मायरिन और क्या है उसका क्या नहीं, हाँ हाल तो उसकी तो तबीयत तो खराब रही, उसको तो बड़ी बीमारी निकली है। सीओ अभी इधर मायरिन को निकालेंगे लाएंगे, हमारा पूरा घर मेरे पूरे बच्चे है ना, सब उसकी मायरिन खाला के लिए बैठेंगे, हाँ है ना, हम लोग सब लोग बैठे इधर अफ्रीकी का जल है, अच्छा ठीक है, हम लोग सब लोग दवा खाने में और हमारा इमरान भी देखो सब खेल क्या, बहुत बड़ा उसका ऑपरेशन कला 1 बजे लेके गए थे तो अभी 7:30 बजे, अभी उसका ऑपरेशन, अभी डॉक्टर आके बोला ऑपरेशन हो गया है, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, मतलब अल्लाह बस उसकी बीमारी में शिफा डाल दे, है ना, तो सब हमारे पूरा सब दवाखाने में बैठे हम लोग, है ना। हमारे भाई का ऑपरेशन हो गया और 1 बजे से 7:30 बजे लगा ना भाई, 1 बजे हाँ 7:30, अगर नॉर्मल काट रही थी तो जल्दी हो जाता 2-3 घंटे में, काट नॉर्मल नहीं थी इसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। अभी तो यहाँ पे जो प्रोसीजर करेंगे बाद में फिर केमो का देखेंगे, एक प्रोसीजर अपने इधर नहीं होगा ना, इधर ही देखते इधर ही जो भी रहेगा हम लोग इंशाल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत टेंशन आ रहा है सच में। सलमान मेरे आखिरी मेरे सब बच्चे लोग भी मायरिन को देखने के लिए आए थे, हाँ
और सोप तो बहुत रोई भी उसके ऊपर, क्योंकि हमारी लाड़ी की ना मैरून सकती है बच्चे लगे क्या चीज के अंदर मैरून कोई मारे कब से सोच फैमिली मेंबर हो गई वो देखो एकदम मस्त हो गया ना साकिब, एकदम मस्त देखो एक नंबर हो गया एकदम। हाँ एकदम ठीक हो गया। अभी एम्बुलेंस खड़ी है, इसमें हम लोग भेजेंगे साकिब को घर पे, है ना। देखो और अभी बोलो। तो अभी हमारा साकिब हो गया बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से दवा खाने से जा रहा है साकिब। साकिब का नाम है उन्हें मालूम, हाँ मैं नाम भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग ही है वो टेंशन से, टेंशन से है ना। और सबकी दुआ से, सबकी दुआ से, सबके पैसे के हेल्प से हमारा बच्चा बहुत अच्छा। और हाँ और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, साकिब के जो नाना थे स्टार्टिंग में 35,000 रुपये बेचारे वो भी भरे थे, और इनके 50,000 कौन भरा था, मेरे भाई ने। हाँ क्या नाम है इसका, समीर। और इसके जो भाई लोग हैं समीर भाई और कौन मोहम्मद भाई, वो लोग ने भी बेचारे 50,000 दिए थे। मतलब इसके भी घर वाले लोग ने, इसके नाना ने, जो इसके अम्मी के मामू हैं, और उन्होंने सबने भी पैसे की हेल्प करे थे। तो जजाक अल्लाह, ऐसे ही हर किसी के खानदान वाले एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और साथ ही मतलब खुशी हो रही है घर से जाने के, अभी ऐसी खुशी हो रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, शुक्र है परवरदिगार का। तुम एक पहचान कर